देखिए, कहानी का मामला जो हम कहते हैं, एक्चुअली हमारे देश में बहुत अलग अलग रंग होते हैं। और जहाँ हम यूपी की बात करते थे, यूपी में तो आप देखिए हर 5 किलोमीटर के बाद एक नया रंग देखने को मिलता है हमको। तो उसी के तहत हम लोग ये पूरब के भसड़बाज लेकर आ रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव मूवी है जो मास टीवी पर, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अभी आप तो एक तरह से देखने को मिलेगी। और रही आपकी स्टोरी का प्रश्न, तो एक्चुअली बेसिकली क्या है कि वहाँ पर कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पर पारिवारिक, कहीं कॉमेडी के साथ कहीं गुंडागर्दी भी चलती है, कहीं वहाँ रंगदारी भी चलती है, जो अभी काफ़ी कुछ तो कम हो गई, लेकिन फिर भी कुछ इलाके हैं जहाँ पर उस टाइप का वर्चस्व इन लोगों ने कर रखा है अपने ऊपर। तो उसी के तहत कॉमेडी है जिसमें फैमिली है, पूरी फैमिली का ड्रामा है, जो अपनी रंगदारी, अपनी दादागिरी, उसके बेस पे पूरी पूरी कहानी चलती है। और उसको जो फिल्मांकन किया गया है वो इस टाइप से किया गया है कि फिल्म देखने के बाद एक कॉमेडी का भी फ्लेवर उसमें देखने को मिलता है। जो कॉमेडी का फ्लेवर है वो हर चीज़ में देखने को मिलेगा। और जहाँ हम पूरब की बात कर रहे हैं यूपी में, तो पूरब एक ऐसा प्रांत है, पूरबिया, जहाँ पर बात बात पर वो बहुत छोटी छोटी गालियाँ और बड़ी बड़ी गालियाँ देते हैं। मतलब अगर वो लड़ भी रहे हैं तो वो भी गाली में भी कहते हैं तुम गाली दे रहे हो, उसमें भी गाली देते हैं। तो इस टाइप की चीज़ें होती हैं। तो वो फिल्म लेकर आ रहे हैं, और जो भी इसमें कलाकार काम कर रहे हैं वो सारे बड़े कलाकार हैं, जो कि ओटीटी प्लेटफॉर्म के और आपके चैनलों पर काफ़ी देखे जाते हैं और लोग काफ़ी उनको पसंद करते हैं। तो उसमें आपके शिवा चड्ढा जी हैं उसके अंदर, अनिल चरणजीत जी हैं, मुकेश एस भट्ट हैं, गरिमा है, विनीत है, जो कि काफ़ी अच्छे बड़े मज़े कलाकार हैं। तो आप देखिए उस फिल्म को, और दो चीज़ में आ रही है, एक्चुअली फिल्म में भी आ रही है और सीरीज़ में भी आ रही है, एक अच्छा चीज़ है। और कुछ हम लोगों के ब्लड से, हमारे उससे, यूपी के पानी से रिलेटेड है। बट साहब, सवाल ये है कि बेसिकली जब मैं आपको पहली बार मिला था मास टीवी में ही, किसी और शायद सीरीज की लॉन्चिंग थी, उस दौरान आपने कहा था कि आपका जो ये प्लेटफॉर्म है ओटीटी, ये उस तरह का ओटीटी प्लेटफॉर्म ही होगा जैसे बाकी लोगों का है। मैं बात कर रहा हूँ वहां पर जिस तरह से सीरीज दिखाया जाता है या जिस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है। आपने ये कहा था कि आपका प्लेटफॉर्म इससे अलग होगा, आप साफ सुथरे कंटेंट को प्रमोट करेंगे, क्या उस वादे से आप पीछे हट रहे हैं? नहीं, आप, मैं ऐसा नहीं कहूँगा उस वादे से मैं पीछे हट रहा हूँ, न कभी हम हटेंगे उस वादे से। लेकिन कई बार कुछ ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जिस प्रोजेक्ट की डिमांड होती है कि आज मैं अगर कोई 10 डॉकों को दिखाऊंगा तो डेफिनेटली मुझे घोड़े भी लेकर आने पड़ेंगे, उसके अंदर पुलिस भी लानी पड़ेगी, उसमें मारपिटाई भी दिखानी पड़ेगी। जब मैं पूरब को लेकर चल रहा हूँ, यूपी के पूरब क्षेत्र को, तो अगर मैं वहाँ पर सीधी आपके लखनऊ लैंग्वेज में बात करूँगा तो वो बात लोगों के हजम भी नहीं होगी, लोग पसंद भी नहीं करेंगे। तो ये फ्लेवर वहाँ का है, तो डेफिनेटली जो फ्लेवर जहाँ का होगा तो कहीं ना कहीं आपको वो टच देना ही पड़ेगा। और वो टच ऐसा नहीं है कि हमने उसको थोपा गया है, कि जो आजकल बहुत सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स उस पैटर्न पे ही चल रहे हैं कि वो उनको अपना ये समझिए कि वो अपना कि उसी के कारण उनका ओटीटी चलेगा, ऐसा सोच रहे हैं वो, जबकि ऐसा नहीं है। तो ये उसकी डिमांड है। मेरे को सबसे पहले नाम को लेकर ही सवाल है भट्ट साहब, कि नाम भसड़ मतलब क्या होता है? जो लोग यूपी से नहीं होंगे, बिहार से नहीं होंगे, शायद उन्हें मतलब नहीं पता होगा, क्या होता है इसका शाब्दिक अर्थ जो है वो क्या है, भसड़ क्या है? देखिए, कुछ जो यूपी की लैंग्वेज होती हैं उस लैंग्वेज में कुछ शब्द अपने तैयार किए जाते हैं, अपने मतलब उस एरिया के हिसाब से लोग अपने उस शब्दों को करते हैं। तो ये वो लोग हैं जो पूरब के, जो कि बहुत ज़्यादा बोलते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं आपस में, उसको भसड़ के रूप में उसको कहा जाता है, इंडिकेट किया जाता है। अब उसमें उनकी गाली भी होती हैं, उसमें बदतमीजी भी होती है, मतलब उसमें आपको अश्लीलता देखने को नहीं मिलेगी कहीं भी सीरीज़ में भी, और वैसे भी नहीं मिलेगी। और जब इतने बड़े बड़े कलाकार होते हैं तो वो उस टाइप की जब स्क्रिप्ट उनके पास पहुंचती है तो वो 10 बार सोचते हैं, क्योंकि उनकी छवि का सवाल होता है। तो इसलिए जो भसड़बाज शब्द की जो बात कर रहे हैं, वो वहाँ के वो जो बातचीत कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, गपशप कर रहे हैं, कॉमेडी कर रहे हैं, मतलब उनकी अगर वो गाली में भी लड़ाई भी कर रहे हैं, तो हम जैसे लोग जो हम यहाँ इधर इस तरफ रह रहे हैं, बॉम्बे साइड रहते हैं, तो हमको उसमें एक लाफ्टर आता, हंसी आती है उसमें, और वो भी उसी अंदाज में लेते हैं उसको। तो मतलब वही है इसका, कि आपस की बातचीत है, उन लोगों की कुछ कॉमेडी है, उसको बसड़बाज के रूप में हम लोग बट आपके प्लेटफॉर्म में वेरिएशन काफी है। वेरिएशन इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि एक तरफ आपके प्लेटफॉर्म पर हिंदुत्व जैसा प्रोडक्ट स्ट्रीम करता है, दूसरी तरफ आप लेके आ रहे हैं पूरब के बसड़बाज जिसमें गालियां हैं, तो एक तरफ राम और दूसरी तरफ इस तरह का काम।
नहीं, राम है तो ऐसा अर्थ नहीं निकलता कि हम लोग दूसरी चीज़ों को भूल जाए। देखिए प्लेटफॉर्म है, हर प्लेटफॉर्म में जहाँ एक किसी चीज़ को देखने वाले हिंदुत्व को देखने वाले हैं, वहीं वो भसड़बाज को देखने वाले भी लोग हैं। कई नई जनरेशन भी है, जैसे अभी आपको बताते हैं हम आपको कि अभी कल हमारा एक डिस्कशन चल रहा था कि जो ये हिंदुत्व है उसमें आज जो आपके भजन सम्राट हैं अनूप जलोटा जी, जिनको हमारी जनरेशन बहुत अच्छे ढंग से जानती है, हम उनको भजन सम्राट कहते हैं। वहीं मैं कल कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ बैठा था, हमारा एक फंक्शन था कॉलेज के अंदर, तो वहाँ पर मैंने एक छोटा सा जिक्र छेड़ा उनको कि मैं सब वो अनूप जी हमारे साथ काम करना चाह रहे हैं, कुछ हम आगे प्लान कर रहे हैं उनके साथ। तो उसमें 100 में से 99 बच्चों ने कहा कि कौन अनूप जी, तो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क मेरे सामने लग गया। तो जो हिंदुत्व जो पिक्चर थी हमारे हिंदुत्व, एक्चुअली हिंदुत्व वर्ड ही लोग समझ नहीं पाते हैं बेसिकली, ठीक है ना, कि हिंदुत्व शब्द है क्या चीज़। तो वही चीज़ हमने लोगों को बताया कि हिंदुत्व क्या होता है, उसी ढंग से हम उनको डिफरेंट देश की जो अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, अलग अलग लोग रह रहे हैं, उसकी भी हम लोगों को बताना चाह रहे हैं कि वहाँ के लोगों का तरीका कैसा है रहने का, बात करने का तरीका कैसा है। ताकि सडनली अगर आपके सामने देखिए, आज का जो न्यू जनरेशन है वो बहुत लिमिटेशंस में फंस चुकी है, उसके सिर्फ इतना होता है कॉलेज पढ़ना है, उसको 11वां किया, उसने 12वीं किया, अपने कॉलेज में लग जाएंगे, टेक्निकल पोस्टों में चले जाते हैं। तो न वो धर्म जानते हैं, न कुछ अपने बारे में जानना चाहते हैं। तो उसको जानने के लिए हमने डिफरेंट लोकेशंस के कुछ डिफरेंट सीरीज लेकर आए हैं। इसलिए पूर्व का बसड़बाज आप कह रहे हैं, ये कहीं ऐसा लिंक नहीं करता कि सब वो हिंदुत्व के लिए अलग है, इसके लिए अलग है। अभी थोड़े टाइम बाद हम लोग बिलाल कर लेकर आ रहे हैं। बिलाल वो थे जो हजरत बिलाल जिन्होंने फर्स्ट अजान दी थी। तो अब आप थोड़े दिन बाद हमको कहेंगे आप मुस्लिम कल्चर को हम अपना रहे हैं, ऐसा नहीं है। डिमांड है, हम उसके हिसाब से चलते हैं, और मास टीवी तो अनमास्किंग कंटेंट लेकर आता रहेगा और आता रहा है, तो वो ही एक अनमास्किंग है। सवाल आगे एक सवाल और मैं लेना चाहता हूँ। सरकार आजकल केंद्र में भी और स्टेट में भी, जहाँ की कहानी आप दिखा रहे हैं यूपी की, बड़ी सख्त है भट्ट साहब, जरा सी बात पे सरकार नाराज हो जाती है, यूआरएन ब्लॉक कर देती है। यूपी सरकार अगर नाराज हो गई आपके किसी कंटेंट से, योगी बाबा नाराज हो गए कि आप उत्तर प्रदेश की छवि को खराब कर रहे हैं, तो कंटेंट ब्लॉक कर देगा, ऊपर से कार्रवाई भी हो जाएगी। देखिए जिस दिन हमने फर्स्ट डे अपना चैनल लेकर आए थे, तो हमारे चैनल का टैगलाइन है अनमास्किंग एंटरटेनमेंट। अब आप समझ लीजिए, हमारा चैनल ही कहता है मास्क। हम मास्क क्यों लेकर आए, ये बहुत सवाल लोगों ने पूछा। मास्क, हर आदमी के अंदर एक मास्क छुपा होता है, ठीक है, उस मास्क में हम कहीं प्यार से बात करते हैं, गुस्से से बात करते हैं, पत्नी के साथ अलग बात करते हैं, गर्लफ्रेंड से अलग करते हैं, दोस्तों से अलग करते हैं, पुलिस से अलग करते हैं, मिलिट्री से अलग करते हैं, हर जगह हमारी बात करने के तरीके अलग अलग होते हैं। तो आप ये समझिए कि जब हम उसको लेकर आए, फिर हम बिलाल क्या नाम थी उसकी, मिशन 70 लेकर आए हम, ठीक है, फिर बुरहान लेकर आए, जिस पर पूरा का पूरा कश्मीर बंद रहा 3 दिन तक, 3 महीने तक बंद रहा, और उसके बाद हमारी जब शूटिंग हुई उसमें भी तोड़फोड़ हुई, बहुत झगड़े हुए उसमें। जब हम हिंदुत्व लेकर आए तो हिंदुत्व में बहुत सारे संगठनों ने हमको धमकियाँ दी, मारने की धमकी दी, तोड़ने की धमकी दी, ठीक है। अब हम आपके पूर्व के भसड़बाज लग रहे हैं, अब उसमें अगर गालियों की बात करते हैं लोग वाक, किसके कारण से बैन होता है, तो देखिए हम तो आए हैं अनमास्क एंटरटेनमेंट लेने के लिए, और जो सामने दिखेगा, जो समस्या आएंगी, उनसे भी लड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि सब मोदी जी हमसे नाराज हैं, अब कोई अन्य मुख्यमंत्री हमसे नाराज होगा। हम इस देश की छवि के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करेंगे, ना कभी करते आए हैं, ना कभी करेंगे। लेकिन हाँ, अनमास्क एंटरटेनमेंट में दिखाने में हम कभी पीछे नहीं हटेंगे, चाहे कितनी बड़ी हमको धमकियाँ मिले, चाहे हमारा चैनल बैन हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। माफी चाहता हूँ, लेकिन मेरा ये आखिरी सवाल होगा, शायद आप कह रहे हैं तो मैं पूछ लेता हूँ। आपने कहा कि मास्क अनमास्क करते हैं, एक मुखौटा जिसे उतारते हैं, आपका मास्क क्या था भट्ट साहब? हिंदुत्व तो जो था वो मास्क था जो उतर गया, और अब असली चेहरा जो है पूरब के भसड़ वो सामने आ गया है, और बिलाल आने वाला है। नहीं, मुझे एक आश्चर्य होता है कि आप भसड़बाज को और हिंदुत्व को कैसे जोड़ रहे हैं, ये दोनों चीज बहुत अलग लग रही है। हाँ, आप ये कह सकते हैं हिंदुत्व और बिलाल, इन दोनों में, हाँ, इन दोनों में आप कॉम्पेरिजन, बिलाल आ रहा है, चेहरा जो है वो बिलाल आ रहा है कि एक तरफ आप कंटेंट बनाते हैं हिंदुत्व, जैसे बहुत सारे हिंदू की आस्थाएं जुड़ती हैं, अब उसके बाद कोई कंटेंट है बिलाल का, हाँ, कैसे दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पर दोनों चीजें हैं? क्या जो पहले वाला मामला आपने कहा था कि साफ सुथरा कॉन्टेंट रहेगा, ऐसा लगा हिंदुत्व आने के बाद कि शायद ये प्लेटफॉर्म प्रो हिंदू हो सकता है, लेकिन जब फिर से बिलाल आएगा तो ऑब्वियसली सवाल खड़े होंगे। देखिए, जब आप किसी OTT प्लेटफॉर्म को लेकर चलते हैं, ठीक है,
तो आपको उसमें हम किसी भी धर्म के साथ या किसी भी मजहब के साथ जुड़ नहीं सकते। हम एक क्लीन क्लियर एंटरटेनमेंट लोगों के सामने लेकर आते हैं। उस क्लीन क्लियर एंटरटेनमेंट में कई बार लोगों के एक जैसे एक बहुत बड़ा हम शब्द कहते हैं कि मेरा सुख किसी का दुख का विषय हो सकता है, किसी का दुख मेरे का सुख का विषय हो सकता है। जैसे हम कुछ सामान खरीद रहे हैं, हमने 1,000 रुपये दिए, उसको तो 1,000 जिसको मिले उसके लिए तो खुशी का विषय है, और किसी जिसने दिए हैं उसके लिए दुख का, यार मेरे 1,000 रुपये चले गए। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी कंटेंट हर व्यक्ति को पसंद आएगा, ऐसा कभी भी नहीं होता। हिंदू हो सकता है बहुत से हिंदुओं को पसंद भी नहीं आया, हो सकता है बिलाल जो हम लेकर आ रहे हैं हो सकता है बहुत से मुस्लिमों को पसंद नहीं आए, हिंदुओं को पसंद आए। तो हम किसी के लिए नहीं कह सकते किसका कॉन्टेंट किसको पसंद आएगा। लेकिन हाँ, एक हम क्लीन क्लियर हिंदुत्व की जो छवि थी कि हिंदू कैसे होते हैं, कैसे बनते हैं, उस छवि को हम लेकर आए थे कि हिंदुत्व कैसे बनते हैं। बिलाल हम उस छवि को लेकर आए हैं कि जो वो अजान जो फर्स्ट उन्होंने अजान दी थी, हम बताना चाहते हैं सब अजान कैसे स्टार्ट हुई, क्या हुई, अब वो अजान के बाद क्या चीज़ घटना घटती है, क्या होता है, ये लुकआउट हम लोगों का नहीं है। वो समाज के जो ठेकेदार हैं वो जो कर रहे हैं वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, उसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता, और मैं उस मैं नहीं फंसना चाहता हूँ, नहीं बोलना चाहता हूँ उस विषय में। बट सर, जो फिल्म के स्टार कास्ट है जैसे कि बहुत जाने माने कलाकार है, क्या वो प्रमोशन से जुड़ेंगे, क्या वो भी मीडिया के सामने आएंगे फिल्म को प्रमोट करते हुए? देखिए, आज के समय में क्या हो गया कि सब स्टार कहीं ना कहीं किसी न किसी से जुड़े रहते हैं, ठीक है। हाँ, डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे, लेकिन अभी क्या है कि हमारा बहुत जल्दी रिलीज आ रहा है, 1 तारीख को रिलीज आ रहा है, ठीक है ना। और चैनल की तरफ से मैं डेफिनेटली आपसे कहता हूँ क्लियर कट कि ये जो रिलीज़ है इतना जल्दी रिलीज़ है, फिर इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट 3 रिलीज और पड़े हुए हैं हमारे, वो रिलीज़ पैरल लगे हुए हैं उसके साथ। तो कई बार ऐसा होता है कि जब उनका टाइम होता है हमारा टाइम मिल नहीं पाता, मैच नहीं कर पाता। और ऐसा नहीं है कि जब फिल्म होती है, फिल्म में तो आदमी साल भर 2 साल तक इंतजार करता है, उस हिसाब से टाइम सेट करता है। लेकिन इन प्रोजेक्ट्स में जो चैनल्स होते हैं उसमें इतना टाइम किसी के पास नहीं होता है, हमको हर 7 दिन में 15 दिन में एक अपना नया कोई ना कोई शो लेकर आना पड़ता है। हाँ, लेकिन डेफिनेटली उनके बाइट्स आपको मिलेंगे, वो फ़ोन पे आपके साथ रहेंगे, आप जो भी उनसे बात करना चाहें वो बात करने को तैयार हैं। और इनके जो राइटर डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, अभिषेक जी, उनकी भी एक बहुत बड़ी खासियत है, बहुत अच्छे राइटर हैं वो। और इसकी आगे क्या है कि इसकी सीरीज चलेंगी अभी इसमें, क्योंकि ये पूर्व के भसड़बाज है, ये बहुत ज़्यादा इसका ट्रेलर को भी पसंद किया जा रहा है, और जहाँ भी हमारी बातचीत हुई वो कह रहे हैं इसका आगे का, क्योंकि जो भी OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, OTT प्लेटफॉर्म अपनी कहानी को कहीं ना कहीं ऐसे मोड़ पे लाकर छोड़ देते हैं कि आपको अगले सीजन का इंतजार करना पड़ता है, वो क्यूरियोसिटी बढ़ती है। तो उसी क्यूरियोसिटी में हमने भी कोशिश की है कि इसके आगे की हम तैयारी करें। पहले मैं जब मीडिया में आया था तो संजय कहते थे कि बड़ी मुश्किल होती है मीडिया में आने के लिए। मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन को देखा कि बहुत मिलते हैं। अभी भी एक मैं बड़े उसमें कल पंकज जी का बड़ा दुख हुआ, उनका देहावसान हुआ था, उदास जी का, तो वहाँ भी कुछ बड़े बड़े संगीतज्ञ मुझे मिले उसमें। तो वहाँ भी जब बातचीत चल रही थी तो उसमें बहुत से ऐसे बड़े बड़े शख्सियत थे जिनका कहीं दिखाई नहीं देते वो आपको, आप गूगल में चेक करें कहीं नहीं दिखें। तो जब हम इस चैनल को लेकर आए तो संजय ने सबसे पहले कहा था बड़ा मुश्किल होता है आपको मार्केट में खड़ा होने के लिए, इतना आसान नहीं होता, लेकिन जब आप लोगों ने सब साथ दिया तो आज की तारीख में थोड़ा सा हम भी दिख जाते हैं कहीं ना कहीं, तो थोड़ा हमको बड़ी खुशी मिलती है कि आप लोग जो इस ढंग से साथ दे रहे हैं और आगे भी साथ देते रहेंगे। तो जल्दी हम भी कोशिश करेंगे, क्योंकि ये पहला OTT प्लेटफॉर्म है जो इंडिया के लोगों के द्वारा बना हुआ है, इंडिया के लोगों के द्वारा तैयार किया है, इंडिया के लोग प्रोग्राम्स आ रहे हैं इसके अंदर, और हम सब इंडिया के लोग कर रहे हैं। जो बाहर के लोगों ने जैसे भी प्लेटफॉर्म लेकर आए हुए हैं वो हमारे कल्चर को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हम कोशिश करेंगे उस कल्चर को थोड़ा सा बचा कर रखें। और उसी के तहत शेयर वाले भी जुड़े, इनके भी बहुत डेप्थ डिस्कशन हुए इनसे, क्योंकि देखिए कोई भी आदमी जब आपके साथ जुड़ता है तो अपने प्लस माइनस पॉइंट देखता है। हिंदुत्व में यही हुआ, हिंदुत्व जब फिल्म का हुआ तो उसमें अनूप जी थे, उसमें आपकी दीपिका जी थी जो सीता जी बनी थी उसके अंदर, ठीक है, उसके अंदर जो हीरो है आशीष, वो भी पूरे पूरे सिया के राम और बहुत बड़े बड़े उन्होंने सीरीज किए थे उसमें। जो लड़की है वो भी पार्वती सोनाली, वो भी पार्वती के रूप में आज भी लोग पैर छूते हैं हमें, वो सब लोग जुड़े उनके साथ। और फिर जब इस टाइप की फिल्म बनती है तो हर एक आदमी अपनी एक छवि लेकर चलता है। तो जब वो छवि की बात हुई और फिर छवि होने के बाद बनाकर जब रिलीज़ की बात हुई तो सभी लोगों ने साथ दिया उसमें, सभी लोग आए उसमें, प्रमोशंस पर आए, जितना भी बिजनेस शेड्यूल था उसमें भी आए।
तो उसका बहुत बड़ा, और फिर हमने एक जयपुर में एक हमारे एक आयोजन हुआ था मैराथन का, उसमें करीबन 1.5 लाख लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें हिंदुत्व ने ही उसको पूरा कंप्लीट, हम थे वहाँ पर। वो जब वहाँ पर जब हिंदुत्व की बात हुई, वो जय श्री राम के नारे शुरू हुए, तो एक अलग माहौल तैयार हुआ था, क्योंकि उस वक्त आपके राम मंदिर का भी शिलान्यास हुआ था, तो एक बहुत अच्छी चीज़ हुई थी हमारे सामने। जी, हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो वैसे हमारे पास कैंडीज है, शुगर कैंडीज है, ये रसगुल्लाज है, सोन पापड़ी, फिर गुलाब जामुन है, फिर मेयोनेज, शेजवान चटनी, मसालेज है हमारे बहुत सारे। सो मसालेज में टर्मरिक आ गए, हल्दी, फिर लाल मिर्च, फिर किचन किंग के जो मसालेज होते हैं वो है। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स, वराइटीज़ ऑफ प्रोडक्ट्स, FMCG प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। तो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं हम चाहते हैं, बट बस पूरब के बसड़बाज मूवी देखते देखते हमारे प्रोडक्ट्स का भी लाभ उठाइए। बिल्कुल, इसको दिखाइए, मतलब इसको खिला के सब लोगों को। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेके ही आइए आपको खिलाने के लिए। जी जी जी, बहुत सारी जिनके पास करोड़ों के बजट होते हैं, ठीक है, उन जब करोड़ों के बजट वाले होते हैं, उनसे एक लोकल ब्रांड कॉम्पीट करता है, तो उसके लिए बहुत मुश्किल होता है मार्केट में अपने आप को सर्वाइव करना। जहाँ ये अगर 100 रुपये खर्च करते हैं तो वो 1 लाख खर्च करने वाले होते हैं। प्लस उनकी पोजिशंस क्या होती है कि आप अगर एक प्रोडक्ट लेकर आएंगे अपना मार्केट में, तो उससे पहले वो इतनी रिसर्च कर चुके होते हैं कि आप किस मार्केट में क्या करने जा रहे हैं, तो उस मार्केट को अपने हाथ में कैप्चर करना, मार्केट को तोड़ना, बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं। तो मेरा उन सभी से, जो भी बड़े ब्रांड हैं, उनसे कहना ये है कि जब बड़े चलते हैं तो छोटों को हाथ पकड़ कर चलते हैं, तो उनको चाहिए कि जब ब्रांड एक शुरू हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, क्योंकि देखिए इंडिया की पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, आज 140 करोड़ के ऊपर हम लोग रहने वाले हैं, ठीक है, तो भी हम लोग बहुत मुश्किल होता है आज की तारीख में सर्वाइव करना, लोगों को सामान प्रॉपर मिल नहीं पाता। तो जब एक अच्छा ब्रांड मार्केट में आ रहा है, अच्छी क्वालिटी को लेकर आ रहा है, और सबसे बड़ी खुशी की बात आपको बताऊँ श्रिया के साथ कि इनकी खुद की फैक्ट्रियाँ हैं, जबकि बाहर की जो भी कंपनी आई है यहाँ पर वो आउटसोर्स करती हैं, आउटसोर्स करते हैं, बस उन्होंने लेबल बनाया, लगा दिया अपने उसमें। तो ये सबसे बड़ी खुशी इनके साथ मुझे ये है कि खुद का खुद बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरर्स कर रहे हैं, जो बहुत मुश्किल होता है। आज माल लिया, आपने पैक कर दिया, तो आपके खर्चे कुछ नहीं होते, इनको तो बहुत सारा माल बनाना है, ख़राब भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। और जब आप एक साथ आप 500 वैरायटी लेकर मार्केट में आ रहे हैं, तो आप सोचिए इनके लिए कितना बड़ा कॉम्पिटिशन का है ये। आप इनके जहाँ ये बड़े ब्रांडों के साथ, राजस्थान के ब्रांडों के साथ, गुलाब जामुन, रसगुल्ले के साथ कॉम्पीट कर रहे हैं, वहीं ये मसाले के ब्रांडों के साथ भी आप देखिए, जहाँ आज कितने बड़े बड़े स्टार मसालों के ब्रांड कर रहे हैं, उनके साथ ये कॉम्पिटिशन में आ रहे हैं। इसके अलावा ये चावल है इनके पास, आटा है, दाल है, मतलब कौन सी वैरायटी नहीं है जो नहीं है। और अगली बार तो हाँ, तो आज वही बात चल रही थी कि हम सोच रहे थे गिफ्ट दें, फिर हमने कहा हर एक के लिए 20-25 किलो का वजन हो जाएगा। हाँ जी, कम से कम 7-6 महीने की सप्लाई हमको दीजिए, हम खा के आपको। जी जी, जरूर जरूर, बिल्कुल बिल्कुल, सेहत पे कोई असर नहीं होता है इसका, क्या फायदे क्या नुकसान है, ये 7-6 महीने की सप्लाई, ये नेचुरल है सर जी। एंड बेसिकली हमारे यहाँ पे वुमेन्स है जो ये करती है, हमारे यहाँ पे 2000 वुमेन्स लाइक वर्कर्स है, और वुमेन एम्पावरमेंट का बेसिकली श्रेया एग्रोज ने किया, तो वो चीज़ है। यस, सो वुमेन्स ज़्यादा करके है हमारे यहाँ पे, 2000 मोर देन 2000 वुमेन वर्किंग करती है यहाँ पे। और मसाले हर चीज़ नेचुरल है, जैसे हल्दी आप टेस्ट करके देखिए, फिर आपको पता चल जाएगा। नेचुरल जी 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 जी, हल्दी मतलब यूज़ कीजिए। बट सर, एक लास्ट सवाल है, एक खबर मिली है कि आप राधे माँ का जन्मदिन सेलिब्रेट करने वाले हैं, अगर इसके बारे में कुछ बताना चाहें। देखिए, हमने क्या किया एक्चुअली कि मास टीवी पहले कुछ 30-35 साल तक मैंने एड एजेंसी काम किया था, तो कुछ बड़े बड़े ब्रांड ने तैयार किए थे, उसी के तहत मास टीवी ने प्लान किया था कि हम भी अपनी एक एजेंसी शुरू करें। तो जो एक्सपीरियंस था उसको लेते हुए हम जब काम शुरू किया उसमें, तो वो अभी जो क्वेश्चन निकल कर आए उसमें कि लोगों को कुछ बड़े ब्रांड हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं उसमें काम करने के लिए, क्योंकि पहले भी काफ़ी बड़े ब्रांडों को हमने 0 से नंबर 1 तक पहुँचाया था। तो उसी के तहत अभी राधे माँ का जन्मदिन का आयोजन हो रहा है, जिसमें 3 तारीख को आयोजन है उनका, तो उसमें सभी मीडिया वाले पहुँच रहे हैं, तो हम चाहेंगे आप लोग भी आएँ। और कुछ अभी तक तो ये स्टार्टिंग की अवस्था है, तो इसमें इतना ज़्यादा मैं डिटेल में बता नहीं पाऊँगा आपको,
लेकिन हाँ ये है कि हम जल्दी ही इसमें बहुत डिटेल में आपसे चर्चा करेंगे और पूरी डिटेल विस्तृत बताएंगे, क्योंकि उनका ये है कि हर साल वो अपना जन्मदिन करती हैं और उस दिन काफ़ी लोगों को वो खाना देती हैं, बांटती हैं उनको, वो एक आयोजन, बड़ा आयोजन होता है। तो उस आयोजन की लाइव टेलीकास्ट भी होते हैं, तो उसमें भी हम चाहेंगे बहुत सारे चैनल जुड़े, उसके अंदर बहुत सारी कवरेज जाती है, तो वो सब चीज़ें हैं। तो थोड़े दिन बाद हम आपको पूरी डिटेल के साथ उसके लिए पढ़ेंगे, उसके संदर्भ में हम आपके साथ बैठेंगे एक बार डिस्कशन करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। तो आप सबसे पहले तो इसको डाउनलोड करें सब, और इसका ट्रेलर जो हमने आपको दिखाया उससे आपको इसकी वो मिल जाती है कि एक यूथ के लिए प्रोग्राम है और एक यूपी बेस्ड, नॉर्थ बेस्ड प्रोग्राम है बेसिकली, जहाँ हमारा ऐप काफ़ी स्ट्रॉन्ग चल रहा है अभी। तो हम अपने उस बेस को खुश करने के लिए एक ऐसी सीरीज लाए हैं ताकि वो और वाइड स्प्रेड हो सके वहाँ से। ओके ओके, बेसिकली आपकी जो टारगेट ऑडियंस वो क्या है, नॉर्थ की ऑडियंस है या फिर हिंदी बेल्ट को आप टारगेट करना चाहते हैं, किससे दिखाना चाहते हैं ये जो प्रोजेक्ट है आपका? ये हम तीनों चीज़ें इसमें कवर कर रहे हैं, हम इसमें हिंदी बेल्ट और आपका काफ़ी स्ट्रांगली यूपी को कवर करने वाले हैं, क्योंकि एक कंप्लीट कॉमेडी है यूपी साइड के लिए, तो वो तीनों चीज़ें इसमें कन्वर्ट हो जाएंगी। अच्छा, इसमें शूट की और भाई मुझे बताइए कैसे कैसे, कहाँ आप लोगों ने शूट किया और मेकिंग के कौन कौन से लोग हैं, स्टार कास्ट क्या है, एक्ट्रेस कौन कौन है, इसके बारे में? इसमें काफ़ी अच्छी स्टार कास्ट है, जो आपने पोस्टर देखा होगा अभी, उसमें मुकेश चड्डा जी, शिवा चड्डा जी हैं, सॉरी मुकेश भट्ट हैं इसमें, और काफ़ी अच्छे कलाकार हैं इसमें बड़े, और इसका डायरेक्टर भी जो है वो एक्चुअली नॉवल राइटर हैं, और काफ़ी उनने ब्यूटीफुली इसको शूट किया गया। मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि ये अच्छी पिक्चर है और हमारे हिंदी बेल्ट के लोगों को इसको देखना चाहिए और मास्क टीवी का प्रमोशन करना चाहिए। चंदी, मेरा सवाल ये है कि आप कैसे बताना चाहते हैं ऑडियंस को, मैं बहुत बेसिक पढ़ा लिखा आदमी हूँ, अगर मेरे को देखना होगा मास्क टीवी पे जाके ये पूरा बेमसलबाज अगर देखनी होगी तो मैं कैसे देख सकता हूँ, कैसे ऐप डाउनलोड करूंगा, क्या मेरे पैसे लगेंगे, क्योंकि पैसे तो मैं खर्च नहीं करना चाहता हूँ, खर्चे भी जाता है, तो कैसे देख सकते हैं जरा ये प्रक्रिया थोड़ी सी सरल हिंदी में समझाइए। देखिए, सबसे पहले तो हमारे प्लेटफॉर्म पे जितनी भी सीरीज है और मूवीज है उसमें 70% फ्री है, मुफ्त है, तो आप देख सकते हैं, पर पूरब के बसड़बाज एक प्रीमियम सीरीज होगी। उनका कहना यह है कि इस ऐप को किस तरीके से डाउनलोड किया जाए, सरल भाषा में लोगों को शुरू की प्रक्रिया बताएं। ठीक, तो आप अपने ऐप में, अपने फोन में ऐप स्टोर या गूगल स्टोर, अगर आप एंड्रॉयड यूजर हैं तो गूगल स्टोर पर जाएंगे या तो ऐप स्टोर पर जाएंगे अगर एप्पल यूजर हैं तो, और वहाँ पर आप सर्च कीजिए मास टीवी, तो आप MASK TV, तो आपको फर्स्ट ऑप्शन वहाँ पर इंस्टॉल का आएगा अपने ऐप का, और फिर आपने उसको इंस्टॉल किया, फिर आपने ऐप को चालू किया, आपको लॉगिन करना है, लॉगिन करते ही आप सब कुछ देख सकते हैं। कोई बैंक डिटेल्स या पर्सनल इन्फॉर्मेशन तो नहीं लेगा? जब आप फर्स्ट एपिसोड भी ये चीज़ों के बिना देख सकते हैं, आपको पसंद आया तो आगे आप उसका पेमेंट कर सकते हैं उसके अंदर, जिसमें 1 महीना 3 मंथ और 1 ईयर का प्लान है। गुरुजी, इसी प्लेटफॉर्म पर हिंदुत्व तो एक बड़ा शानदार कंटेंट जो है वो आया हुआ है इसी मास्क टीवी पर, जिनका अब पूरब के बसड़बाज आ रहा है, बड़ी प्रशंसा हुई, बड़ी तारीफें हुई, बहुत रील्स बनी उसके गाने पर, देखा आपने, कुछ कहना चाहते हैं उसके बारे में? जी बिल्कुल कहना चाहूंगा, और इसके पहले भी मैंने सभी लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि ये पिक्चर जरूर देखें, और इससे हमारे हिंदू समाज का एक प्रमोशन किया है पिक्चर में, अच्छा काम हुआ है, और सभी लोग इस पिक्चर को अवश्य देखें। ये मास टीवी वाले बढ़िया काम कर रहे हैं भट्ट साहब, इनकी पूरी टीम बिल्कुल बिल्कुल, अगर अच्छा काम नहीं कर रहे होते तो मैं यहाँ पे नहीं उपस्थित होता। शुक्रिया, मेरी तरफ से धन्यवाद। डन, एक और अंजू मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। फिल्म आई है पूरब के बसड़बाज, क्या कुछ आप अपने शब्दों में बताना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आप सभी का बहुत हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी लोग आए हैं और आपकी रुचि है जानने में कि पूरब के बसड़बाज जो हम कहानी ला रहे हैं वो दरअसल है क्या। मेरा मानना यह है कि जितना आज का नौजवान या आज का दर्शक बाहरी दुनिया को देखना चाहता है, उतना ही अपने देश की गांव की मिट्टी से भी जुड़ना चाहता है, क्योंकि गांव की मिट्टी में जो सौंधी महक है वो आपको कहाँ मिलेगी। तो आप देखिएगा कि OTT चैनल्स पे जितने भी
रिमोट विलेजेस के ऊपर जो स्टोरीज हैं, वहाँ क्या चल रहा है, उनके जीवन में क्या चल रहा है, लोगों को वो जानने में बहुत इंटरेस्ट है, क्योंकि हम भी ये जानना चाहते हैं कि हमारे देश में जो आखिरी छोर पर खड़ा हुआ व्यक्ति है उसके जीवन में क्या क्या घटित हो रहा है। और ये बड़े ही खुशी की बात है कि ये हमारा जो पूरब के भसड़बाज जो हम फिल्म ला रहे हैं, इसमें एक माफिया फैमिली है और माफिया फैमिली के साथ कॉमेडी, ये देखिए अपने आप में एक आयरनी है कि एक तरफ तो एक डर और खौफ का माहौल और फिर उसके हाउसहोल्ड में क्या चल रहा है उसकी कहानी, तो अपने आप से जो सिचुएशनल कॉमेडी पैदा होती है वो फिल्म है ये पूरब के भसड़बाज, और लोगों को बेहद पसंद आएगी। मुझे इसलिए ऐसा लगता है क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है, हम फिल्मों पे और अपनी जो सीरीज़ है उन पे मास्क चढ़ा देते हैं शिष्टता की, हमारी भाषा बड़ी शुद्ध होनी चाहिए, हम बड़ी ही ऐसी संस्कृत निष्ठ भाषा में या तो बात करें, बड़ी ही विशुद्ध हिंदी में बात करें, लेकिन क्या हम वास्तविक जीवन में उस तरह की भाषा बोलते हैं? तो कई बार जब वास्तविकता से परिचय कराना होता है तो उस तरह की जो कहानियाँ हैं वो दिखाना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो मुझे लगता है पूरब के भसड़बाज उस तरह की एक फिल्म है जिसमें मिश्रा फैमिली लिटरली आपको अपने जो उनकी जो कॉमिकल सिचुएशंस हैं, उनके जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है, उन घटनाओं से हंसा हंसा के और फिर एक ऐसी दुनिया मिल जाएंगी जिसमें आप जलेबी की तरह उलझते चले जाएंगे कहानी में, क्योंकि किसी भी फिल्म का जो OTT पे रिलीज़ होती है उसका एक फ़ायदा और एक नुकसान क्या है कि उसमें आपको चिंता नहीं करनी होती सेंसरशिप की, जो है वो है।